हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लेजर। जैसे कि आप जानते हैं, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले लेजर में उसकी एंट्री की जाती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करते हैं, डेट वाइज सीक्वेंस वाइज ऑर्डर करते हैं। इसलिए जर्नल को जो बोलते हैं हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस सबसे पहले जर्नल में रिपोर्ट होती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये बिजनेस के ओनर्स को या उसके प्रोप्राइटर्स को ये भी बताए कि व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज कस्टमर्स या व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू हिज सप्लायर्स। मतलब उसको कितने तो पैसा लेना है अपने कस्टमर्स से या कितना पैसा उसको देना है अपने क्रेडिटर्स को। इसके अलावा उसको ये भी जानना होता है कि जी कितना मेरा कैश इन हैंड है और क्या मेरा बैंक बैलेंस है या ऑल एक्सपेंसेस मेरे कौन से हैं या सेल्स कितनी है, परचेजेस कितनी है। ये सारी इंफॉर्मेशंस रेडिली अवेलेबल नहीं हो पाती जर्नल एंट्रीज के थ्रू, या जर्नल एंट्री के थ्रू मिल भी जाएगी इंफॉर्मेशन तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, टू मच ऑफ एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो मैं तो ये बोलूँगा इट विल बी अ सिंपली अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी आल्सो। तो क्यों ये इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है जर्नल एंट्रीज के थ्रू, इसको समझने के लिए हम फिर से अभी जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जर्नल एंट्रीज। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं, उसको आप देखिए जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और फिर समझेंगे कि क्या दिक्कत आती है हमें जर्नल एंट्रीज के अंदर। तो चलिए अभी हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं मैंने आप लोगों के लिए। सारी ट्रांजैक्शंस जुलाई के महीने की हैं और इन ट्रांजैक्शंस की जो जर्नल एंट्रीज बनेंगी वो भी मैंने बना दी हैं। जल्दी से मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। यहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जर्नल एंट्रीज को समझने का नहीं है। जर्नल एंट्रीज बहुत आसान है, जर्नल एंट्रीज ये आपने आपको आती नहीं, आपने समझी नहीं है। इसके बाद हम क्योंकि लेजर को समझेंगे और लेजर समझने के लिए जर्नल एंट्रीज बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ट्रांजैक्शंस पढ़ता हूँ आपके सामने। 2020 की जुलाई महीने की हैं। 1 जुलाई, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो जर्नल एंट्री बनाई हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹60,000 से, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री बनाने में। 2 जुलाई की ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बाय टू कैश अकाउंट ₹20,000 से हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। 4 जुलाई, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,100, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सिंपल है, ₹1,100। गुड सोल्ड टू अभा ₹600, अभा हमारी डेटर है, हमने इसको गुड सोल्ड किया है तो हमने डेटर को अभा को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया ₹600 से। रिसीव्ड फ्रॉम अभा ₹594, अलाउड हर डिस्काउंट ₹6। यहाँ जो हमने डेटर थी अभा हमारी, ₹600 हमने इनसे लेने थे, अभा ने 594 दिए, हमने कहा ओके ठीक है ₹6 हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है ये हमारा एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अभा। अभा के अकाउंट को हमने पहले डेबिट किया हुआ था, अब हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो हमारा ये अभा का अकाउंट सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 10 जुलाई की है, पेड वेजेस बाय चेक, वेजेस दिए हैं, वेजेस एक्सपेंसेस है और चेक से दिया है तो हमने बैंक अकाउंट कर दिया ₹200। कैश सेल्स ₹500, सेल हुआ है, सेल को हमने रेवेन्यू हुआ है हमने इसे क्रेडिट कर दिया और कैश को हमने डेबिट कर दिया ₹500 से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹650, 15 जुलाई की ये एंट्री है, रेंट जो है वो ड्यू है तो रेंट हमने एक्सपेंस तो बुक करना ही है तो हमने ₹650 से एक्सपेंस बुक कर दिया। टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि अभी रेंट दिया नहीं है तो एक अकाउंट हमने बनाया टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया ₹650 से। आगे चलते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹300। तो इंटरेस्ट हमने कैपिटल पर दिया है, इस समय कंपनी के लिए ये जो इंटरेस्ट है ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। हमारी लायबिलिटी ₹300 से और बढ़ गई, तो कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया ₹300 से, और एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट के रूप में ₹300 बढ़ गया। 22 जुलाई, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। गुड्स परचेज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस पेड बाय चेक ₹5000। ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तो हमने इसको बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹5000। 27 जुलाई की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश ₹700। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल हुआ है तो हमने सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। लास्ट है 31 जुलाई की है, पेड सैलरीज ₹10000 बाय चेक। सैलरी पे करी है, हमने सैलरी को डेबिट कर दिया क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, कुछ भी नहीं है, ₹10000। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी जनरल एंट्रीज थी। अब अगर कंपनी का प्रोप्राइटर या कंपनी के जो ओनर्स हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं कि एक महीना हमारा कंपनी को शुरू हुए हुए हो गया है, तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द बैंक बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई, एक महीने बाद 31 तारीख को हमारा बैंक बैलेंस क्या है? तो आप जनरल एंट्रीज देखेंगे, जनरल एंट्रीज में आप कहेंगे कि एक तो हमारी बैंक की ट्रांजैक्शंस ये है, और दूसरी बैंक ट्रांजैक्शंस हमारी यहाँ पे ₹200 की आ रही है, फिर और बैंक ट्रांजैक्शंस एक ₹5000 की आ रही है, और इसके बाद बैंक ट्रांजैक्शंस एक ₹10000 की भी आ रही है, हमने सैलरीज दी हैं। तो सर इसमें तो बताने में टाइम लगेगा, प्लस माइनस करना लगेगा, मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए टाइम लग रहा है ना। अब अगर वो पूछता है ठीक है चलो आप ये बता दो कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 31 जुलाई, कि कैश हमारे हाथ में कितना है ये तो बता दो, आप फिर से जर्नल एंट्रीज देखने लग जाओगे। आप कहोगे जी ₹60000 की तो एक ये कैश एंट्री आ रही है, फिर देखोगे ₹20000 भी कैश में है, ₹1100 कैश में है, ₹594 की है कैश एंट्री, डेबिट एंट्री है, ₹500 की कैश एंट्री है, और इस तरह से आप कैश एंट्रीज को सर्च करने लग जाओगे, 700 की ये है। फिर जवाब क्या मिलना है, सर ये तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, इसको तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ वो भी हमारे अकाउंट में कैश इन हैंड एज ऑन 31 जुलाई कितना है, मैं बताता हूँ। तो आप ये सोचिए कि ये तो अभी सिर्फ जुलाई का महीना है, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर मार्च तक चलेगा ये साल, तो मार्च तक का बताने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, इसी तरह के और कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस इन द मंथ ऑफ जुलाई 20, जुलाई के महीने में कितनी परचेजेस थी ये पता चल जाए, टोटल सेल्स अमाउंट कितना था जुलाई के महीने में, या कोई कैपिटल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बता दो। तो इन्फॉर्मेशंस बता तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ये सब कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, जनरल एंट्रीज से ये कुछ 4-5 जो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशंस थी वो नहीं निकल पाई, या निकाल भी लेते किसी भी तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने का एक ही रास्ता है, और वो है लेजर। जर्नल एंट्रीज को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो लेजर को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस जर्नल में हुई हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस इस बुक के अंदर आ जाएंगी। लेजर बुक में हम हर अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मोहन का अकाउंट खोला, मोहन के अकाउंट में जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ऑल ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, वो सारी ट्रांजेक्शन्स डेबिट या क्रेडिट जो भी है वो मोहन के अकाउंट में आ जाएंगी। या हमने कैश का अकाउंट खोला, कैश अकाउंट, तो
कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, कैश रिसीव हुआ है या कैश पेमेंट हुआ है, वो सारी इस लेजर के अंदर आ जाएंगी। तो लेजर का अब हम देखते हैं फॉर्मेट क्या होगा। इसका फॉर्मेट टी शेप में ही होता है। एक लेजर बना के देख लेते हैं हम। टी शेप में फॉर्मेट है। डेबिट साइड में डेट, देन पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो नंबर, मींस वो रेफरेंस नंबर या पेज नंबर जहां पे जर्नल एंट्रीज हुई हुई है, उसको यहां पे कैरिड फॉरवर्ड किया गया लेजर के अंदर, तो वो रेफरेंस नंबर है। यहां पे अमाउंट आ गया, डेबिट अमाउंट, कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, ये हो गए हमारी डेबिट साइड। और सेम है क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड देन क्रेडिट अमाउंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरह से लेजर में पोस्टिंग किया जाएगा। सपोज मशीन परचेज्ड फॉर कैश रुपीस 10,000। हमने मशीन क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। हम यही करेंगे। डेट मान लीजिए आप 1 जुलाई 2020। अब यहां पे आप देखेंगे कि दोनों मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट हमने जर्नल एंट्रीज में इकट्ठे लिखे हुए हैं। अब लेजर के अंदर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हमें मशीन अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। तो सपोज अगर हम पहला अकाउंट मशीन अकाउंट बना लेते हैं, मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट डेबिट साइड में है 10,000 रुपीज, तो हम भी यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे 10,000 रुपीज। 1 जुलाई की डेट है, हम भी यहाँ लिख देंगे 2020 जुलाई 1। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, मशीन अकाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अकाउंट आ रहा है जिसको हमने क्रेडिट किया हुआ है, वो यहाँ पर्टिकुलर्स में आएगा। तो पर्टिकुलर्स में हमने किसको क्या आएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट। डेबिट साइड में जो भी हम लिखेंगे उसको हम टू करके लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और जो भी हम क्रेडिट में लिखेंगे पर्टिकुलर्स में वो बाय से शुरू करेंगे हमेशा, चाहे वो कोई भी अकाउंट क्यों ना हो। तो ये एंट्री हमारी मशीन अकाउंट की हो गई 10,000 रुपीज़ की। अब आप बना लीजिए कैश अकाउंट, इसी में ही हम बना लेते हैं, फॉर्मेट यही है हमारे पास। कैश अकाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़, ठीक है। और कैश अकाउंट के में एक डेट डाल दी हमने 1 जुलाई। कैश अकाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट है, मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे बाय, यहाँ बाय लिखना मत भूलिएगा, बाय मशीन अकाउंट। तो आपने देखा ये दोनों जिसकी एक जनरल एंट्री बनी थी, हमने मशीन अकाउंट और लेजर अकाउंट दो अलग अलग बना दिए। तो ये हमारी थी सिंपल एंट्री। अगर सपोज अगर इसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब इसी में अगर हम जोड़ दें मशीन के साथ में फर्नीचर भी लिया, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 का फर्नीचर भी लिया है, और यहाँ पे हम 15,000 कर दें, तो ये कंपाउंड एंट्री बन गई। तो अब इस एंट्री को अगर हम पोस्ट करना चाहें, हमने मशीन अकाउंट या पोस्ट कर दिया है,
मशीन अकाउंट के अंदर, और कैश अकाउंट में हमने एंट्री डाल दी है 10,000 की। अब एक अकाउंट और है, फर्नीचर अकाउंट। हम अगर यहीं पर ही बना देते हैं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट में है तो हमने डेबिट में लिख दिया 5,000 रुपीज़। फर्स्ट जुलाई की डेट डाल दी, जुलाई पहले महीना लिखा कीजिए, प्रैक्टिस बना लीजिए, पहले महीना फिर डेट। और फर्नीचर के कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है, जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। क्रेडिट में आप देखेंगे जो डेबिट में दिया हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट में है तो उसके क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं, हमने जो अभी जर्नल एंट्रीज बनाई है हम उन्हीं का ही लेजर अकाउंट भी बनाते हैं, और इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस वैसे चैप्टर आपका अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन हम इसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस इसको रब कर देता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है जो हम ये लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं इनकी एक्यूरेसी देखने के लिए, कि जो हमने इसमें डेबिट क्रेडिट जो बैलेंसेस निकाले हैं, वेदर दे बैलेंसेस आर करेक्ट और नॉट, वो कैसे पता लगता है। ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, और यहाँ पे सिर्फ से पर्टिकुलर। ट्रायल बैलेंस एक तरह से समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का टोटल जब करेंगे, दिस टोटल शुड बी इक्वल, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। अगर इस टोटल में गलत आ रहा है, आपका टोटल टैली नहीं हो रहा है, तो इट मींस हमने लेजर बनाने में कहीं पोस्टिंग में गलती करी है, एंड दैट नीड्स टू बी चेक्ड एंड रेक्टिफाइड। तो ये है ट्रायल बैलेंस का छोटा सा ब्रीफ में है, हम इसको डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, उससे आपको और समझ में आएगा। हमारा ये वीडियो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम लेजर बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, पर समझ के बनाएंगे। एक दफ़े आपको जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर आप फटाफट लेजर बना लेंगे। तो चले चलते हैं, अभी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब हमने इन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज हम बना चुके हैं, और अब इन जनरल एंट्रीज को लेजर में कैसे एंट्री करेंगे अब उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने लेजर का फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें पहला है डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शंस है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 जुलाई 2020 की है। तो हम एक कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट सबसे पहले हमारा, आप देखेंगे इसमें डेबिट साइड में है कैश अकाउंट 60,000 रुपीज़ से, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 60,000 रुपीज़। फर्स्ट जुलाई की डेट है 2020 जुलाई 1। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कैश के जो कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट है, जो जिससे हमने क्रेडिट किया हुआ है। कैश और कैपिटल हमारा यहाँ पे कंबाइन हुआ हुआ है, एक ही जनरल एंट्रीज में है। अब इन दोनों को हमने अलग अलग कर देना है, कैश अकाउंट को अलग, कैपिटल अकाउंट को अलग। तो कैश अकाउंट हमारा क्योंकि डेबिट में था तो हमने 60,000 डेबिट में लिख दिया कैश अकाउंट बना के, और 1 जुलाई की डेट डाल दी। अब पर्टिकुलर्स में हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट में आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले टू, जो अब हम डेबिट साइड में डाल लिखते हैं तो टू लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में कुछ भी एंट्री करेंगे तो हम बाय लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़। इसी तरह अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट में है तो हम यहाँ 2020 जुलाई 1 बाय कैश अकाउंट 60,000 रुपीज़। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था, हमने क्रेडिट में लगा दिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कैश अकाउंट था तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया। तो अब हमारी ये एंट्री हो गई है पूरी।
दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। 2 जुलाई की है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका मतलब हमने 2 अकाउंट तो बना रखे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, एक बैंक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसको डेबिट है 20,000 से। तो अब एक बैंक अकाउंट और बना लीजिए, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री है 20,000 से, 20,000 हमने डेबिट में डाल दिए, 2 जुलाई की है, और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट में कितना है, 20,000 कैश है। अब ये 2 अकाउंट इकट्ठे जुड़े हुए थे, अब हमने इनको अलग अलग करना है। बैंक अकाउंट हमने अलग कर दिया, कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स खोला हुआ है, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हम 20,000 दिख देंगे। और जुलाई की डेट है ये जुलाई 2, 2020 बाय बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है, दोनों एंट्रीज आ गई हमारी, यहाँ पे हमारी दोनों एंट्रीज आ गई, हमने ये एंट्री भी पूरी कर ली। और आगे चलिए स्टूडेंट्स, 4 जुलाई की है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हमें परचेज अकाउंट खोलना पड़ेगा, परचेज अकाउंट एक हम और खोल लेते हैं यहाँ पे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में है टू कैश अकाउंट, परचेजेस किया है कैश पेमेंट देके, कितने की हैं, 1100 रुपीज़ की, 1100, और डेट है 4 जुलाई, जुलाई 4th। अभी हमने इसकी कैश एंट्री नहीं करी है, तो कैश क्रेडिट में है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट में दिखा देंगे, 4 जुलाई बाय परचेजेस, बाय परचेज अकाउंट 1100 रुपीज़। अब हमारी ये 3 एंट्री स्टूडेंट्स पूरी हो चुकी हैं, और आगे चलें। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को, और आगे चलते हैं, धीरे धीरे और कंसेप्ट क्लियर होगा। 6 जुलाई की है अभा अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। अभा हमारी डेटर अकाउंट है, तो अभा का भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभा का एक हम अकाउंट नए पेज पे खोल लेते हैं, अभा, अभा अकाउंट, हमने अकाउंट खोल लिया, अभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट 600 रुपीज़, अभा का 600 डेबिट में था, हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया है, और सेल्स कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स अकाउंट लिखा हुआ था, हमने लिख दिया, और यहाँ पे डेट डाल दीजिए जुलाई 600 रुपीज़ है। और सेल्स अकाउंट, इसका मतलब अब हमें सेल्स अकाउंट तो हमने अभी तक खोला नहीं है, एक सेल्स अकाउंट हम और खोल लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 6 जुलाई में एंट्री कर लीजिए अब, बाय अभा 600 रुपीज़, बाय अभा अकाउंट लिख लीजिए 600 रुपीज़। तो हमारी ये एंट्री पूरी हो गई, हमें 2 अकाउंट खोलने पड़े अब, अभा अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अगर कोई अकाउंट खुला हुआ होता है तो हम उसी में ही जाके एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, 8 जुलाई की है, कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और अभा को क्रेडिट किया हुआ है। इसका मतलब अभा ने ये जो 600 रुपीज़ थे इसमें से 595 दे दिए हैं। तो अब हमने यहाँ कैश अकाउंट खोला हुआ है, हमारा कैश अकाउंट में को डेबिट किया हमने 595 से, तो अब हम यहाँ लिख देंगे टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभा है, टू अभा अकाउंट 594। और एक और अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ डिस्काउंट दिया है, तो एक और अकाउंट खोल लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड है हमारा 6 रुपीज़ से डेबिट साइड, 6 रुपीज़ और टू अभा 10 जुलाई, अभा को 600 रुपीज़। अब हमने क्रेडिट करना है, तो अभा अकाउंट हमने खोला हुआ था, 600 इसको क्रेडिट करना है, तो अभा का 600 तो हमने ये इसको क्रेडिट कर दिया। अब बाय किसको लिखेंगे हम, बाय
बाय देखिए दो एंट्रीज हैं, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट 594 और 600 आ गया। कौन सी डेट में है ये? 8th जुलाई की डेट में है। यहाँ पे भी ये स्टूडेंट्स 8th जुलाई है, 10th of July नहीं है। तो हमारी ये एंट्री पूरी हो गई स्टूडेंट्स, और आगे चलें। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10th of July की डेट में है। हमने वेजेस अकाउंट हमको एक और खोलना पड़ेगा। हमने वेजेस अकाउंट खोल लिया, वेजेस अकाउंट डेबिट किया हुआ है बैंक अकाउंट के साथ 10 जुलाई को 200 रुपये से। जुलाई 10 टू बैंक अकाउंट 200 रुपीज़ से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने पहले खोला हुआ है, तो हम उसी बैंक अकाउंट में जाके वेजेस की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट हमने यहाँ खोला हुआ है तो हम यहाँ डाल देते हैं बाय वेजेस अकाउंट 200 रुपीज़ और डेट है जुलाई 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हर एंट्री हमने दो जगह अकाउंट खोले हैं। वेजेस अकाउंट हमने अलग खोला, अगर अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट खुला हुआ है तो उसी के डेबिट या क्रेडिट साइड में आपने एंट्री करनी है। 11th जुलाई की डेट में देखते हैं, कैश सेल हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा खुला हुआ है 500 रुपीज़, 11 डेट में देख लीजिए 11 तारीख में टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज़। और सेल्स अकाउंट हमने खोला हुआ है स्टूडेंट्स, बताइए सेल्स अकाउंट हमने खोला हुआ है तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है तो सेल्स अकाउंट डेबिट आ जाएगा यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 500 रुपीज़। और कौन सी डेट में है ये? 11 में है। तो हमारी स्टूडेंट्स ये एंट्री भी पूरी हो गई है। हम और आगे चलते हैं। अभी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब रेंट भी नहीं खुला हुआ हमारे पास और रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी नहीं खुला हुआ है, तो हमको स्टूडेंट्स ये दोनों ही अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक अकाउंट खोल लीजिए आप रेंट अकाउंट और दूसरा खोल लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है 650 से और रेंट आउटस्टैंडिंग को हमने क्रेडिट किया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये है 15 जुलाई की डेट में। और रेंट आउटस्टैंडिंग को हमने क्रेडिट किया हुआ है बाय रेंट अकाउंट, ये आ गया 650 हमारा। जुलाई की डेट डाल दीजिए जुलाई। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। अभी हमने इंटरेस्ट अकाउंट तो नहीं खोला है, तो एक इंटरेस्ट अकाउंट एक और खोलना पड़ेगा। उसके लिए हम एक नया फॉर्मेट और ले लेते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है 300 रुपीज़ से और क्रेडिट किया है कैपिटल से टू कैपिटल अकाउंट। डेट है 20 जुलाई। कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स हम लोगों ने खोला हुआ है तो हम वहीं पर ही इसकी एंट्री करेंगे। कैपिटल अकाउंट देखिए कहाँ है, ये रहा। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है 300 रुपीज़ से बाय इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपीज़। जुलाई की डेट है 20। हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई है। और आगे चलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
परचेजेस अकाउंट हमने खोला बनाया हुआ है स्टूडेंट, हाँ परचेज अकाउंट हमने बनाया हुआ है, 2000 रुपीज़ से हम उसको डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। 22 जुलाई की डेट में है और कैश को हमने अब क्रेडिट करना है हमारा कैश अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 22 तारीख की डेट 2000 रुपीज़। ठीक है, मैं तो हमारी ये एंट्री स्टूडेंट्स पूरी हो गई है। अब हम और आगे चलते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट स्टूडेंट्स हमने अभी तक नहीं खोला है, एक फर्नीचर अकाउंट और खोलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है। फर्नीचर अकाउंट हम खोल लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट है हमारा 5000 रुपीज़ से डेबिट हुआ है, बैंक से पेमेंट हुआ है 5000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। 25 जुलाई की डेट है, ये देखिए फर्नीचर अकाउंट को हमने बैंक से हमने डेबिट कर दिया है। अब बैंक अकाउंट में हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट हमने पहले खोला हुआ है, बैंक अकाउंट हमारा ये रहा, बैंक अकाउंट में हमें बाय फर्नीचर अकाउंट 25 जुलाई और कितने रुपए से था ये 5000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ तक एंट्रीज पूरी हो गई हैं। अब दो एंट्रीज और रह गई हैं, 27 जुलाई की और 31 जुलाई की। ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा खुला हुआ है, सेल्स अकाउंट भी हमारा खुला हुआ है। कैश अकाउंट को डेबिट करना है हमने 700 रुपये से, 700 रुपीज़ से हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट 27th जुलाई। और सेल्स अकाउंट भी हमारा खुला हुआ है, ये रहा सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 22nd जुलाई से बाय कैश अकाउंट 700 रुपीज़। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा फिर नहीं खुला हुआ है, तो हम एक और अकाउंट खोलेंगे, सैलरी अकाउंट को कितने से डेबिट करना है 10,000 रुपीज़ से, चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट और 31st जुलाई। बैंक अकाउंट हमारा खुला हुआ है, ये रहा 31st जुलाई बाय सैलरी अकाउंट 10,000 रुपीज। अब हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी लेजर के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब हम सारे लेजर्स की बैलेंसिंग निकालेंगे और देखेंगे कि किस लेजर में कितना बैलेंस बचा हुआ है। सबसे पहले हम कैश अकाउंट की बैलेंसिंग निकालते हैं। हमने क्या करना है, जो डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है इसको एक जगह रफ टोटल कर लीजिए। मान लीजिए हमने कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ये आ रहा है 61794 और क्रेडिट साइड का टोटल है 23100 और डेबिट साइड का टोटल है 61795। तो जो साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड के नीचे तो हम इसको टोटल लिख देंगे 61794 हमने लिख दिया। अब यही टोटल हमने यहाँ पे लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे। जो साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ आएगा। अब हमने दोनों तरफ यहाँ पे लिख दिया इसका टोटल 61794, डेबिट साइड में भी लिख दिया और क्रेडिट साइड में भी लिख दिया।
अब आप बोलेंगे कि ये तो टोटल गलत हो रहा है, ये तो टोटल 61,794 है ही नहीं, ये तो एक्चुअल में 23,100 है टोटल। तो इसको टोटल को बैलेंस करने के लिए हम इस अमाउंट में से डेबिट डेबिट अमाउंट में से हम क्रेडिट अमाउंट को माइनस कर देंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 61,794 माइनस 23,100, 38,694। हमने बैलेंस निकाल दिया 38,694। अब बैलेंस निकाला है तो हमने यहाँ क्या लिखना है, बाय बैलेंस सी डी। सी डी मतलब कैरेट डाउन, मतलब ये अभी आगे भी चलेगा बैलेंस। और ये कौन सी डेट में हम निकालेंगे, 31 जुलाई लास्ट डेट पे। और टोटल के आगे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन टोटल भी लिखना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ से ये। अब देखिए जुलाई के महीने में हमारा पैसा कितना बचा है, 38,694। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द बैलेंस रिमेनिंग ऑफ कैश एज ऑन 31 जुलाई, तब आप क्या कह सकते हैं, सर 38,694 रुपीज़ हमारे पास अभी बचा हुआ है। ये पैसा बचा हुआ है तो इस पैसे का हम क्या करेंगे, अब इस पैसे को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी तो जुलाई का महीना है, इस पैसे को वेस्ट थोड़ी ना होगा, ये पैसा अभी जुलाई का महीना है, इस पैसे को अभी हम अगस्त में लेके जाएंगे, अगस्त में अगर कुछ पैसा बचता है उसको सितंबर में लेके जाएंगे, इस तरह से आगे चलता चलेगा। तो अब ये सीडी हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे कैरेट डाउन। अब कैरेट डाउन अगर है तो इसको आप आगे के लिए 1st ऑफ अगस्त, ये देखिए अगस्त 1st हमारा आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 38,694। जिस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है आपका, कितना आ रहा है इसमें, 61,000, ये हायर साइड है, हायर फिगर है। इसी के नीचे ही हमने बैलेंस बी डी, बी डी मीन्स ब्रॉट डाउन, हमने ब्रॉट डाउन किया है ऊपर से, 38,694 हमने लिख दिया। यहाँ हमने सी डी लिखा कैरेट डाउन, क्योंकि ये आगे कैरेट कैरी होगा। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। अब मैं बता सकता हूँ कि सर 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 60,000 रुपीज़ से, उसके बाद 8 तारीख को हमारे पास पैसा आया था अभा से 594, फिर 11 जुलाई को आया, हमने सेल करी है 500 रुपीज़ से, फिर 700 रुपीज़ की भी सेल हुई है जी 27 को, और कुछ पैसा हमने ये देखिए बैंक में जमा किया 20,000 रुपया 2nd तारीख को, और 4th को हमने परचेजेस की है 1,100 रुपये की, और 22 तारीख को हमने फिर से परचेजेस करी है 2,000 रुपये की। तो इस तरह हमारे पास बैलेंस जो बचा है 38,694 बचा है, जो भी आगे के महीने में चलेगा। तो आपने देखा एक लेजर बनाने से, हमने कैश का लेजर बनाने से पूरे महीने का हमारी ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई, कि कितनी हमारी परचेजेस थी, कितना हमारा इनफ्लो था कैश में, और कितना हमारा आउटगो रहा। तो अब बैलेंस हमारा बचा 38,694। इसी तरह अब हम सारे लेजर को बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट को लेके चलते हैं, कैपिटल अकाउंट 63,000। अब आँख मीच के हमने 63,000 तो क्रेडिट में था, ये साइड बड़ी है, यहाँ तो ज़ीरो है, यहाँ तो अब हमें रफ कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, 63,000 माइनस में ज़ीरो, 63,000। अब आँख मीच के हमने यहाँ डाल दिया टोटल, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जुलाई 31st टू बैलेंस सी डी, क्योंकि ये अभी कैरेट डाउन होगा 63,000 से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगस्त की डेट में आएगा, नेक्स्ट मंथ की डेट में, 1 तारीख की डेट में, कि बाय बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 63,000। ये ध्यान रखिएगा जो साइड का टोटल बड़ा है उसके नीचे ही आपने लिखना है। यहाँ पे कैश अकाउंट में ये साइड का टोटल बड़ा था, जो बैलेंस बचा है इसी के नीचे ही लिखना है हमने बीडी करके। और सीडी चाहे इस तरफ हो, डेबिट साइड हो, चाहे क्रेडिट साइड हो, सीडी तो आएगा ही, और बैलेंस बीडी आएगा अगर हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट बना के देखते हैं,
बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट यहाँ देखिए टोटल है 20,000 और ये टोटल कम है, 15,200 है। तो हम 20,000 तो यहाँ पे हमने आँख मीच के लिख दिया। अब इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 31 जुलाई की डेट में। अब 20,000 में से हमने माइनस किया, 20,000 माइनस में 15,200, 4,800 हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ी स्पेस कम रह गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 4,800 और डेट आएगी अगस्त 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेजर बनाना शुरू में आप थोड़ा धीरे धीरे बनाइए, उसके बाद आप फटाफट बना सकते हैं इसको। परचेज अकाउंट में कुछ भी नहीं है, 0013, 33,100, यहाँ तो कुछ एंट्री है ही नहीं, तो हम 3,100 से यहाँ पे टोटल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। कौन सी डेट में डालेंगे, जुलाई की लास्ट डेट वर्किंग डे में, जुलाई 31 की डेट में 3,100। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी 3,100, डेट आएगी अगस्त 1। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा पूरा हो गया और आगे चलते हैं। अभा के अकाउंट को ले लेते हैं। अभा के अकाउंट तो 600 रुपीज़ इधर है और 600 रुपीज़ इधर है। ये अकाउंट तो हमारा क्लोज ही हो गया, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो इसमें हमें कुछ भी, हमें कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये अकाउंट अभा का क्लोज हो चुका है। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देख लीजिए। सेल्स अकाउंट हमारा कितना टोटल बन रहा है इसका, 1800, और इधर भी हमने लिख दिया 1800, टू बैलेंस सीडी, कौन सी डेट, जुलाई 31, कितना रुपीज़, 1800 रुपीज़, और इधर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 1800 रुपीज़। ठीक है, ये इधर आया हुआ अगस्त 1। डिस्काउंट अलाउड 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी, और इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 6 रुपीज़। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वेजेस अकाउंट, ये सब यूजुअली मैक्सिमम अकाउंट तो एक एक दो दो एंट्रीज के होंगे। वेजेस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट इक्वल कर लीजिए और जुलाई 31 की डेट में हमने बाय बैलेंस सीडी 200 रुपीज़, और 200 रुपीज़ से अगस्त की डेट में हम अकाउंट ओपन करते हैं नया, टू बैलेंस बीडी। रेंट अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स। रेंट अकाउंट में भी कुछ भी नहीं है, 650 से डेबिट एंट्री है, हम क्रेडिट इक्वल कर देते हैं इसको भी 650 से, और 31 जुलाई की डेट में हम डालते हैं बाय बैलेंस सीडी, और इसको ब्रॉड डाउन कर देते हैं नीचे अगस्त की डेट में, अगस्त 1 की डेट में टू बैलेंस बीडी 650 रुपीज़ से। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 650 रुपीज़ से, 650 को हमने क्रेडिट बैलेंस कर दिया, 650 रुपीज़ यहाँ पे भी दिखा दिया, और 31 जुलाई में हमने लिख दिया टू बैलेंस सीडी 650 रुपीज़, और यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 650 रुपीज़। ठीक है, कौन सी डेट, अगस्त 1,
और देखते हैं कितने अकाउंट बाकी हैं हमारे। अभी 3 अकाउंट स्टूडेंट्स और बाकी हैं, इनको भी फटाफट कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस है, हमने क्रेडिट में भी 300 रुपीज़ लिख दिया और इसको 31 जुलाई की डेट में हमने बाय बैलेंस CD कर दिया। बाय बैलेंस CD 300 रुपीज़ और टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 300 रुपीज़। कौन सी डेट डालेंगे? अगस्त 1। कोई डाउट? कुछ भी नहीं होना चाहिए। 5000 रुपीज़ फर्नीचर अकाउंट ले लीजिए, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में भी 5000 रुपीज़ लिख दीजिए। बाय बैलेंस CD 5000 रुपीज़ और टू बैलेंस BD 5000 रुपीज़। 1 अगस्त की डेट में हमने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया। लास्ट अकाउंट है स्टूडेंट्स सैलरी अकाउंट, 10000 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस है, हमने इसको 10000 रुपीज़ क्रेडिट में भी दिखा दिए। बाय बैलेंस CD 10000 रुपीज़ और 31 जुलाई और आप लगा लीजिए फिर से टू बैलेंस BD। अगस्त 1 की डेट में हमने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे सारी जनरल एंट्रीज हमने पुट कर दी हैं लेजर के अंदर। अब हमने ये देखना है कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है ये ठीक भी है कि नहीं, इसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं है। तो अभी हम इसी एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस में हम पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब हम लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को, जो BD बैलेंसेस है, उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करेंगे। ट्रायल बैलेंस में सब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अगर हमारे इक्वल आ रहे हैं तब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो लेजर पोस्टिंग हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। आपको किसी भी एग्जामिनर से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरा ये जवाब जो था लेजर अकाउंटिंग का ये ठीक है या गलत है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया तब आप मान लीजिए कि आपने ठीक एंट्री करी हुई है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे सीरियल से ले लीजिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जहाँ BD लिखा है, BD लिखा हुआ है डेबिट साइड में, तो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 38,694 ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। सीरियल से लेके चल रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है हमारा बैलेंस BD है हमारा क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में 60,300 लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने 63,000 लिख दिया था, इसको अब अमेंड कर दिया है, 60,300 है, 300 है ये 60,000 है, तो टोटल आएगा 60,300। नेक्स्ट लेके चलते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप देख रहे हैं 4,800 हमने डेबिट में लिख दिया ट्रायल बैलेंस के। उसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है 3,100 हमने डेबिट में लिख दिया 3,100। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अभा अकाउंट। अभा अकाउंट आप देख रहे हैं कि 600 से डेबिट और क्रेडिट दोनों हुआ हुआ ये अकाउंट क्लोज है, तो हमें इस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अभा लिख भी दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखिए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम 1800 क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड हमारा 606 रुपीज़ ही है बस डेबिट बैलेंस। फिर है वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट हमारा है 200 से डेबिट बैलेंस, तो 200 रुपीज़ डेबिट में लिख दिया। रेंट अकाउंट, ₹650 डेबिट बैलेंस डेबिट में लिख दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये
क्रेडिट बैलेंस है, हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया 650 रुपीज़ से, और कितने अकाउंट बचे हैं देखते हैं अभी। इंटरेस्ट अकाउंट हमारा 300 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस है, हमने 300 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस लिख दिया। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हमारा 5000 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस है, ये देखिए बैलेंस BD 5000 रुपीज़ लिख दिया। लास्ट है हमारा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट है 10000 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस, हमने डेबिट बैलेंस 10000 रुपीज़ से लिख दिया। हमारे सारे अकाउंट्स की लेजर पोस्ट हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर दी। अब हमने इसका सिर्फ से टोटल चेक करना है कि क्या टोटल आ रहा है। अब इन दोनों टोटल्स में अगर कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। अब इसका चेक कर लेते हैं टोटल 389। ₹62,750 इसका भी टोटल चेक कर लेते हैं। ₹62,750 स्टूडेंट्स हमारा ये टोटल टैली हो रहा है, इट मींस कि हमने जो लेजर पोस्टिंग करी है हमने ठीक करी है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेजर अकाउंट्स बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी और आगे अच्छे से और समझेंगे। हमने आज ट्रायल बैलेंस की भी प्रैक्टिस करी। स्टूडेंट्स आपने देखा एक ही इलस्ट्रेशंस में हमने आपके तीन चैप्टर थोड़े थोड़े कवर कर दिए हैं। ये है जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। हमने तीनों की प्रैक्टिस कर ली एक इलस्ट्रेशन के अंदर। हमारा लेजर का ये वीडियो आज यहीं तक ही है। कल हमारे वीडियो में लेजर पे हम और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और नई एंट्रीज़ लाएंगे, नई ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए। और आपकी बुक्स में कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, इसी तरह की इलस्ट्रेशंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए अपने घर पे। कुछ अगर मुश्किल लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। और हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको सब्सक्राइब करने से आपको अपडेट्स आते रहेंगे। हमारे जो जो वीडियोस आ रहे हैं आपके करंट सिलेबस के हिसाब से, वो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।